स्वागत है आपका मनी स्टेजिंग सेंटर में। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेकर जब आए हैं, आज से जो हम कल ही आपको कमेंट कर चुके थे कि कल से आपका रीजनिंग का क्लास रेगुलर स्टार्ट होने जा रहा है, तो आज आपको हम रीजनिंग का टॉपिक लेकर जब आए हैं। और रीजनिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट है। देखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है। अल्फ़ाबेट का 100% क्वेश्चन आपका, हम हर क्वेश्चन में 90% बोल रहे थे, लेकिन 100% क्वेश्चन विदाउट कलम बनने जाएगा। बिना कलम का आपका 100% क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग का। देख लीजिएगा अल्फ़ाबेट का बहुत ही मज़ा आएगा आज। अल्फ़ाबेट आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको वीडियो को कुछ मत ज़्यादा इधर उधर करिएगा, पूरी तरह से देखने की कोशिश करिएगा। और हाँ, वैसे छात्र और छात्राओं को एक बार हम फिर से बोल देना चाह रहे हैं कि जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर जो मनीष टीचिंग सेंटर के नाम से चल रहा है, इसी चैनल पर आपको मैथ्स का भी सभी टॉपिक मिल रहा है। जैसे मैथ्स का आज हम रेशियो का पार्ट नंबर 4 पढ़ा दिए हैं, तो रेशियो का पार्ट नंबर 4 भी आपको मिल गया होगा। और आपको रीजनिंग का आज अल्फाबेट का पार्ट 1 पढ़ाएंगे, उसी प्रकार से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी पार्ट को टॉपिक बाई टॉपिक, स्टेप बाई स्टेप लेकर चलेंगे। वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि वीडियो आधा घंटा के अंदर में ही रहता है, उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग हो। तो इसलिए जो छात्र एवं छात्राएँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब वो ऐसे छात्र एवं छात्राओं सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले सर्वप्रथम आपको कह दें कि कॉपी और कलम आप अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको थ्योरी लिखवाने जा रहे हैं। तो अभी तक आपको अगर जो कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को पॉज कर करके कॉपी और कलम निकाल लीजिए और पहला अक्षर दीजिएगा अल्फाबेट का। आज पहला अक्षर अभी हम लेकर चल रहे हैं। इसमें क्या करता है, कहता है यदि हम पहले, देख लीजिएगा बढ़िया से पढ़िएगा मज़ा आएगा, यदि पहले बाएं और फिर, यदि पहले बाएं और फिर दाएं चले तो, यदि पहले बाएं और फिर दाएं चले तो योगफल लेंगे। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। कह रहा है यदि पहले बाएं और फिर दाएं की ओर चलेंगे तो योगफल लेंगे, चाहे जितना भी रहेगा, लंबा से लंबा क्वेश्चन रह जाएगा आपको कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले बाएं का जिक्र कर दिया है और फिर दाएं का जिक्र कर दिया है, आपको बताते हैं बाएं को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं और दाएं को इंग्लिश में राइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम बताते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लेफ्ट एंड देन आफ्टर इज राइट देन एडिशन, मतलब पहले अगर जो आपको बाएं कह दे फिर दाएं कह देगा तो जोड़ दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। देखिए कितना मज़ा आएगा ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं सर्वप्रथम, यहाँ पर आएगा तब पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। देखिए द थ्योरी आपका बोर्ड पे दिया हुआ है, पहले बाएं और फिर दाएं कहेगा तो योगफल ले लीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन क्या कहेगा जो लिखते जाइएगा, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, कहता है
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवां अक्षर देख लीजिएगा, सर्वप्रथम बाएं को हम जिक्र कर दिए हैं के दाएं, फिर दाएं का जिक्र कर दिया, ये दाएं नौवां अक्षर क्या होगा तो देख लीजिएगा। इसको एक बार पहले डिटेल बता देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी में कुल कितना लेटर होता है जो शायद आपको पता होगा। ए बी सी डी में कुल हमारा 26 लेटर होता है, ये नहीं कि ए बी सी डी में कुल कर दिया अगर 4 लेटर होता है सर, ये सब सिर्फ बचपना में होता है खेल करने के लिए। ए बी सी डी में जो पूरा लेटरों की संख्या होता है वो तो होता है 26 होता है, लेकिन बचपन में हम लोग क्या करते थे, ए बी सी डी में कितना लेटर तो कोई कह देता था अगर 26 तो कह देते ए बी सी डी में 4 ही होगा, और कोई कह दिया 4 तो कह देते तुम लोग अभी पढ़ो नहीं किया, 26 होता है ए बी सी डी में, तो इसलिए वो सब चीज़ नहीं, बल्कि ए बी सी डी में वास्तविकता में 26 लेटर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है टोटल 26 लेटर से लेकर बना हुआ है। तो क्या करें, बाएं से दसवां अक्षर तो इसको कहता है बायां, इसको कहता है बायां और इसको कहता है दायां, कहता है जी इसको कहता है बायां और इसको कहता है दायां, तो कहता है बायां से दसवां अक्षर, तो बायां से दसवां अक्षर देखिएगा, बायां से कह देगा तो जब भी चलेंगे ऐसे चलेंगे, बायां से कहेगा तो दायां की ओर ही जाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिएगा इधर इधर इसका इधर खाई है, इसका भी इधर खाई है, मतलब कहने पर अगर जो पूरा हमारा जो संसार है वो 100% है, जिसमें सिर्फ 29% पर स्थल है, तो सिर्फ स्थल पर ही अपना घर बनाएंगे, ना कि जाकर पानी घर बना लेंगे। तो कहिएगा सर बहुत सारा जाकर के ब्रिज जो होता है पानी पे होता है, तो वो सब सिर्फ रहने के लिए नहीं होता बल्कि घूमने के लिए होता है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं लेकर जा चलेंगे। तो बायां से दसवां अक्षर, तो बायां से दसवां अक्षर ले लीजिए, कितना जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पहुँच गया के दायां। अब देखिएगा यहाँ तो हम पहुँच गए जी, अब कहता के दायां, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, तो के दायां कहेगा तो दायां हाथ की तरफ भी जाएंगे, तो के दायां कितना है नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिएगा यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ पे 19 पहुँच गया, 19 बोलेगा तो एस। अगर आप एग्जाम में ऐसा करते हैं तो आपको एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पीछे से 3-4 नंबर लेकर चले जाइएगा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। तो ये नियम आपको नहीं लगाना है, ये आपका जो वायरल हो रखा वीडियो, इस प्रकार का जो वीडियो डाल रखे हैं, ये आपका गलत मेथड है, मतलब आंसर तो सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, पर इतना आपको समय नहीं देना है, बल्कि उंगली पे गिन करके ये सब क्वेश्चन का आंसर दे दिएंगे जी। ये सब क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि आपको कलम लगने की आवश्यकता है। कैसे देख लीजिएगा, पहले बाएं और फिर दाएं कह दिया, सीधे जोड़ देंगे तो 10 है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे, 10 है 9 19 होता है, 19 बोले तो 10 + 9 = 19 बोले तो यस। अतः सर बहुत सारे लोगों को ये नहीं याद रहता है कि 19वां लेटर पे कौन सा होगा, तो आपको इसका बताते हैं, कल आपको इसका भी क्लास दे दिया जाएगा कि कौन सा स्थान पर कौन सा लेटर होगा, आज सिर्फ हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन कल आपको हम पूरा याद करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इसमें, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, फिर कह देगा के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बढ़िया समझिएगा। क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम बाया कर दिया, कुछ नहीं सोचेंगे, 15 कर देंगे, फिर कह दिया के दाया पहले बाया कर दिया, फिर दाया ले लेंगे, तो दाया के लिए ले लेंगे प्लस, कितना है कि
दो, अब फिर कह दिया दाया, फिर ले लेंगे प्लस, जितना बार कहेगा उतना बार आप प्लस 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 लेते जाइएगा, जितना बार दाया दाया कहते जाएगा उतना बार प्लस प्लस लेते जाइएगा। कितना हो गया, 15 17 17 5 हो गया 22। 22 में देखिए दो दो बार आता है तो दो पाई वाला बना दीजिए, मतलब भी दो दो बार आता है इसे दो पाई देती है, दो पाई होता है भी में होता है। देख लीजिएगा पहले बायां कर दिया था, बायां का ले लिए थे, दायां के लिए कर देगा प्लस ले लेंगे, फिर दायां के लिए कर देगा फिर प्लस ले लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर हम आपको देते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन, हमको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे लिखने में क्योंकि हम इसी पर से चेंज कर कर लिए आएंगे। लिखिएगा कथा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां अक्षर के दाएं छठा अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। के दाएं पहले छठा अक्षर है, फिर कहता के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। देख लीजिएगा पहले बाएं का दिया नौ ले लिए, फिर के दाएं, दाएं के लिए होता है प्लस छः ले लिए, फिर कह दिया दाएं, फिर प्लस ले लिए पाँच, नौ सौ पंद्रह, पंद्रह पाँच होता है बीस, टी ट्वेंटी, बीस बोले तो टी ट्वेंटी आज के दौर में बहुत ज़्यादा फेमस क्रिकेट मैच है, टी ट्वेंटी होता है, अब टेस्ट मैच तो देखना ही भूल गए। चलिए अब इस पर जो दूसरा पॉइंट है वो लिखना स्टार्ट करिएगा, इस पर तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट आपको लिखना लिखाना स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा, लिखवाते हुए चलेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे लगा कि क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा कि हाँ कैसा आपको वीडियो लग रहा है, क्या कमी है, जो कमी है उस कमियाँ को दूर कर देंगे। अब लिखिएगा अगला पॉइंट, कहता है यदि यदि योगफल 26 से ज्यादा आ जाए, यदि योगफल 26 से ज्यादा आ जाए तो योगफल में से 26 घटा देंगे। देखिएगा अगर आप जोड़िएगा तो कभी कदार आपको योगफल जो है 26 से ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर योगफल 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो योगफल में से 26 घटा दीजिएगा, ना कि योगफल को घटाइएगा 26 से। कभी ऐसी नहीं होता, शंकर भगवान का मंदिर का गेट नीचे होता तो कभी गेट नहीं टूटता, बल्कि आदमी को ही झुक कर जाना पड़ता। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 26 को ही घटाइएगा, ना कि बड़का को घटाने की कोशिश करिए, बड़का घटाने के चक्कर में बड़का मछली के चक्कर में छोटको मछली चल जाए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। कथा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो पहले 18 है कि दाएं के लिए क्या दे देंगे, पहले से पता है कि प्लस दे देंगे सर, तो प्लस दे दीजिए, 18 और 12 जोड़ देंगे कितना 30। अब देखिएगा 30 जो हो गया हमारा 26 से ज़्यादा है तो इसमें से 26 घटा दिए, 26 घटा दिए तो 4 हो गए,
देखिएगा डी ओ के डॉग में चार लेटर होता है, इसलिए यहाँ पे चार के लिए डी होता है। आगे चलिए इसी प्रकार से और अधिक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर कह दिया इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईसवां अक्षर के दाएं सोलहवां अक्षर क्या होगा जी, देख लीजिएगा बस देखिए का चेंज है, बाएं से बाईसवां अक्षर के दाएं दाएं के लिए सोलह जोड़ दीजिएगा, तो बाईस और सोलह जोड़ देंगे कितना हो गया अड़तीस, अड़तीस घटा दें अड़तीस में से छत्तीस घटा दिए तो तेरह, तेरह हो गया हमारा नाम का शुरुआत एम होता है, इसी नाम से अपना इंस्टीट्यूट का नाम है जी मनीष टीचिंग सेंटर, एम से ही स्टार्ट होता है। गलत सॉरी गलत घट गया है जी, अड़तीस में से छब्बीस जाएगा तो बारह आता है जी। लंच कितना बजे होता है तो बारह बजे, लंच का स्पेलिंग एल से ही स्टार्ट होता है, यहाँ पे तरह से तेरह गया था लेकिन बारह होता है तो बारह के लिए लंच होता है, लंच बारह बजे ऑफिशियल टाइम है तो इसके लिए हो जाता है बारह हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन और भी आगे दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि लंबा और करके दे जाएगा, किए दाएँ किए दाएँ जितना किए दाएँ कह जाएगा उतना आप याद रखिएगा। अब कहिएगा सर अगर जो यहाँ पर पहले बाएँ कह देगा फिर दाएँ की जगह पर फिर बाएँ कह देगा, मतलब पहले बाएँ तो कह ही देगा और फिर कह देगा बायाँ ही कह देगा, क्योंकि बायाँ भी तो कह सकता है, तो थोड़ा सा तो सब करिए, ये आपका नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा, क्योंकि बायां और दायां कह दिया तब तो सॉल्यूशन कर दिए सर, लेकिन अगर बायां ही कर देगा तब सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक ही दिन नहीं खाना खा लीजिए पूरा, नहीं तो आपका अनपच कर जाएगा। इसलिए इस चीज के लिए आप जरूर कल ज्वाइन करिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर बायां भी बताया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे बता दिया गया बिना कलम का क्या करना था, बाईस सोलह में जोड़ देंगे अड़तीस, अड़तीस आगे अड़तीस में छब्बीस या बारह, बारह बोले तो लंच हो गया ये लोग, तो उसी प्रकार से बायां भी क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर भी आपको सॉल्यूशन इसी प्रकार से मिलेगा। इससे ज्यादा आसान आपको आज तक ना ही किसी चैनल पर मिला है और ना ही कभी किसी चैनल पर मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक आपको इसी प्रकार से बनने के लिए जाएगा, और रीजनिंग जो आपको हम बताएंगे आपको एसबीआई का पीओ तक बताएंगे, एसबीआई का पीओ तक आपको बताएंगे, यहाँ का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा इस चैनल पर। तो मनीष टीचिंग सेंटर को कभी भूलिएगा नहीं, और वैसे छात्र एवं छात्राओं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को ये कर दीजिए फैला दीजिए, क्योंकि जितना फैलाइएगा उतना ज़्यादा हमें पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम लगेगा आपको इसका सॉल्यूशन निकालने में, तो देख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पढ़िएगा तो आपको कुछ नहीं था कम से कम 20 सेकंड लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको 2 सेकंड की आवश्यकता पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा आज नहीं, बायां कर दिया तो कल कर देंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।